दाता दयाल जी महाराज एक शब्द में लिखते हैं, आओ आओ सत्संग में आओ, अपना जन्म बनाने आओ। क्यों आओ? जन्म बनाने आओ, एक लाइन में लिखा उन्होंने। ये सत्संग मनोरंजन नहीं है, यहां मन कथी बात कोई नहीं कही जाएगी। मुझे तो जब से मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने कहा कि बच्चा अपने मन की किताब पढ़ा कर, मेरी जिंदगी बदल गई, खेल ही बदल गया। राधा स्वामी मत कोई धर्म नहीं है, पहली बात। राधा स्वामी सनातन धर्म की शिक्षाओं का निचोड़ है, सनातन धर्म का सिरताज है, इसलिए इसमें जो कुछ लिखा गया है या जो कुछ कहा गया है वो अति सत्य है, सत्य है, सत्य है। और वो क्या है? पहली बात, सनातन धर्म कहता है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आगे दो लाइनें और हैं, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, कोई और मंत्र नहीं है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताइए इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? इन चार चीजों के अलावा कोई और चीज इसमें है? फिर अहिंसा परमो धर्मा, सत्यमेव जयते, कहाँ है सत्यमेव जयते? मेरे भारत में कहाँ है? कहाँ है अहिंसा परमो धर्मा? कहाँ है सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामय? है कहीं? पंख लड़के उड़ गए। ये सत्पुरुष, एक सत्पुरुष का स्थान है जिन्होंने कहा मैं अनामी धाम से आया हूँ, और दाता दयाल जी महाराज ने इसका सर्टिफिकेट दिया, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा अपने देशा। वो देश क्या है वो तभी पता चलेगा जब गुरु की बात पर चलोगे। जब गुरु की बात ही नहीं माननी तो फिर क्या करना? अपने मन की करीते जाओ, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी दौड़े फिरो, कुछ नहीं बनना है। ये गुरु वाक्यम का बात है, गुरु वाक्यम की बात है। अब मैं आपको बताता दयाल का एक शब्द सुना देता हूँ। ये जेठ महीना है, तपश का महीना है, कर्म का महीना, बड़ा महीना है। जेठ कहते हैं बड़े को, घरों में बहुएँ होती है ना, ये मेरा जेठ है, मेरा देर है, ये जेठ है, सब तो बड़ा गर्मी का है, इसलिए गर्मी में अपने आप को बचाना है। बहुत सख्त गर्मी पड़ेगी, बहुत सख्त गर्मी पड़ेगी। मेरे ऊना में तो 43 डिग्री है, 43 डिग्री, बाहर निकल कर खड़े नहीं हो सकते। अब यहाँ का मुझे पता नहीं, ऐसे ही सारी गर्मी है, इसलिए गर्मी में बचो। तो शब्द सुनाओ आप, वो मालिक जो मैंने समझा वो है, 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 है। और वो है कहाँ? कहाँ है? पूर्ण रूप में वो अपने स्थान पर है, पूर्ण अखंड मंगलम मंगलाचारम, अखंड मंगलम है, वो अखंड है, वो है। हम सब उसकी अंश हैं, वो तुम में है, उसकी अंश तुम में है, मगर तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें तो बाहर के चक्रों में लगा दिया। मैं हैरान होता हूँ, एक बात कहता हूँ आप, एक बात सुनना मेरे ध्यान से। ये तुम्हारा चोला पांच तत्व का है, ये तुम्हारा शरीर पांच तत्व का बना हुआ है, इसमें मिट्टी है, इसमें जल है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है, और इसमें आकाश है, पांच तत्व है। ये जल है,
ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है और ये अग्नि है, पांचों ऐसे ही हैं, ये पांचों, इनमें सब कुछ जीवन है, इसमें इनमें भी है जीवन, पांवों में भी है, इसको मैंने पढ़ा है, मैंने किताब मेरी मैंने बताया सुभाष शर्मा जी को, बात समझ गए, इनमें जीवन है। वो कहाँ रहता है मैं आपको बता रहा, पढ़ो। ना जहां हूं ना वहां हूं, मेरे को मुंह दिखा कर। ना जहां हूं ना वहां हूं, ना वहां हूं ना जहां, मैं कहां हूं, मैं ना यहां हूं ना मैं वहां हूं, ना मैं वहां हूं ना मैं जहां हूं, यही बार बार कहा ना, तो कहां माने उसको, हम कहां माने, किसी मंदिर में माने, मंदिर में तो मिट्टी की मूर्ति है, वो केवल मिट्टी की है, मेरा पांच तत्व का शरीर है, मेरा पांच तत्व का शरीर मिट्टी की मूर्ति के आगे क्यों झुकेगा, मुझे बताइए, तुम पांच तत्व के बड़े हो जब मिट्टी की मूर्ति बड़ी है, तुम अपनी बेइज्जती करते हो, अपना अपमान करते हो, मिट्टी के आगे झुकते हो, ये तुम्हारा अपना उसका अपमान करते हो, मालिक का अपमान करते हो। शर्मा जी मैं क्या कह रहा हूं, वो केवल मिट्टी की बनी है और उसको आदमी ने बनाया है, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें मालिक ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपनी कुदरत ने बनाया, उन्होंने इसमें ऐसा बनाया क्योंकि उसने आपने अपने आपको इसमें बिठाना था, जिस कर्म के लिए तुम्हें बनाया गया वैसा ही तुम्हारा रूप बनाया, वैसा ही तुम्हें बनाया। तुम इस बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं, जेठ महीने का सत्संग है, गर्मी में आए हो, तुम बड़े हो कब मिट्टी की मूर्ति बड़ी हुई, मगर हमें ऐसा भरमाया गया है इन धर्म के ठेकेदारों ने, हमें लूटा है, हमारी जेबें काटी हैं और हमें मूर्ख बनाकर हमें नीचे ही नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। हम उस परमांश की संतान हैं, उस परम पिता की संतान हैं, हम उस पर नहीं चलेंगे, हम पूर्ण जो सनातन है उस पर चलेंगे और सनातन में गुरु ही सब कुछ है। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु मेरा तक सिर को नवाए। मैं तो उसी को सिर नवाता हूँ, मैं नहीं किसी को नवाता, क्या कहता हूँ मैं। वो कहाँ है दाता दया, एक जगह लिखते हैं दिल में, दिल में दिल में दिल में दिल में है, अंदर है, बार बार लिखा ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, कर भरोसा मेरा, मैं तो तेरी आस हूँ, लिखा है, लेकिन वो शब्द बहुत बड़े हैं, टाइम लगेगा, इतनी गर्मी मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ज़्यादा गर्मी में निकलो घर से, फिर पढ़ो यही शब्द। ना जहां हूं ना वहां हूं ना जहां, हाँ कहां हूं, ढूंढने जाता है क्यों, हाँ पाएगा तू मुझको कहां, फिर पढ़ो, ढूंढने जाता है क्यों पाएगा तू मुझको कहां, कहां ढूंढने जाएगा मुझे तू, मुझे कहां पाएगा। मगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया वालों तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपनी कामनाएं पूरी करनी है, तुम्हें तो अपनी आशाएं पूरी करनी है, तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं है कि वो तुम जो चाहते। और सुनो मेरी बात, और सुनो मैं मेरी बात अभी बता देता हूं, परसों की बात है, परसों की बात है, मैं अपने बेटे को कहा बेटा गर्मी बहुत है, जा देख के ले आ जरूर फजा, अगर मिल जाए शरबत मिल जाए तो ले आ। कहता दादाजी डैडी जी मैं तो पहले घूम के देख लिया किसे जहाँ कहीं वो नहीं मिलता। सुनो आपके सामने मेरे लिए वो बैठे हैं भारद्वाज साहब, पांच बोतलें लेकर आए हैं रूफजा की, पांच मैंने मांगी।
अब सुन लो मेरी बात को। किसने उनको कहा के लेकर चलो उनको चाहिए ये चाहिए लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं है? मैं अपनी बताता हूं, मैं दुनिया की नहीं बताता। क्या कहा मैंने? एक बार मैं शर्मा जी ट्रिब्यून पढ़ी मेरे घर में, ट्रिब्यून, और ट्रिब्यून पढ़ी उसके ऊपर पहले आ गया जे गायका की बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसे ही संकल्प किया ये घी कहीं से मिल जाए तो मैं जरूर लूँगा, नहीं तो बिलासपुर से मंगवाऊँगा। उसके 15 मिनट बाद एक टेलीफोन आया मुझे, यहाँ क्या नाम है, अम्ब से आगे एक गांव है, महाराज जी आप घर में हो आज? मैं क्या, हाँ मैं बेटा आज घर में ही हूँ। ये कोई 8:30 की बात होगी, वो 11:30 आ गया। 11:30 आके उसने 1 किलो का गाय का डी का डब्बा ऐसे रख दिया टेबल के ऊपर, महाराज जी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं क्या, नरोत्तम तुम्हें किसने कहा, नरोत्तम तुम्हें किसने कहा कि तू घी लेकर चल? कहता जी ऐसे ही मैं चलने लगा, मैंने सोचा घी बहुत पड़ा है महाराज जी के लिए डब्बा ले चलता हूँ। अब बताओ ओ क्या करूँ मैं तुम्हें, तुम्हें मैं कैसे साबित करूँ? कुछ कहाँ उसको ढूंढने जाते हो, मंदिर में जाकर मत्था टेकते हो मुझे जे दे दो जे दे, वो नहीं देगा तुम्हें कुछ भी, वो मिट्टी की मूर्ति है वो देगा। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कह दिया और कहीं मत भटको ऐ इंसान, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हारी जो भी जरूरत है तुम उस पर छोड़ दो, वो खुद ही पूरी करेगा। मेरी जिंदगी का ये सबूत मैंने आपको अभी आज का ही बता दिया और पिछला भी बता दिया। क्या कहा मैंने? मगर तुम तो मांगने जाते हो, कहाँ क्यों मांगते हो, किस लिए मांगते हो? माँ मिट्टी की मूर्ति तुम्हें देगी? जब पंडित के मंत्र उच्चारण किए हुए तुम्हें देगा? गुरु वाक्य मंत्र देगा, बच्चा विश्वास कर ले। बस मेरे को बाबा फकीर का एक ही बात कही है, बच्चा चिंता नहीं करना, जो काम मिला है उसको सच्ची नीयत से करना। क्या कहा माँ, क्या कह दिया दाता दयाल ने, कहाँ ढूंढोगे मुझको, कहाँ पाओगे मुझको? अब आगे बताते हैं सुनो। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाऊं से तू मिल। मैं कहाँ हूँ? मैं भक्तों के दिल में छुपा हुआ हूँ, जा उनसे मिल। फिर पढ़ दे बेटा। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाऊं से तू मिल। और वो कौन होगा भक्त? गुरुमुख। गुरुमुख कौन होता है? गुरुमुख वो है जो गुरु के मुखार बिन से निकली बात पर अपना जीवन गुजारता है, वो गुरुमुख है। जो मनमुख है वो मन की मानता है, वो मन के पीछे चलता है, वो मन को दौड़ता है, चल उधर चल उधर चल उधर चल, वहाँ चलेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, वहाँ होगा तो ये हो जाएगा, वहाँ जाएंगे कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे घर में है। दाता ने कहा ऐ बच्चों, ऐ मेरे प्यारे, जो कुछ भी तुम्हें कभी मुसीबत आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए, कभी कोई किसी तरह की जिंदगी में आता है उड़ा चढ़ा, अपने कमरे में चले जाओ, अपने कमरे में जाओ, आंखें बंद करके सच्चे दिल से पुकार करो, तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। करके देख लो, करके देखो, आप करो, आप प्रैक्टिकल करो, फिर मेरी बात को मानो। जब तक ना देखो अपनी नैना, तब तक ना मानो गुरु का बैना। आप करके देखो, प्रैक्टिकल करो। मैं क्या कहता हूँ आपको, कल मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, मैं शर्मा जी आपको बात बताता हूँ, अपनी बीती बताता हूँ। मैं क्या बेटा, मेरा पोता भी बैठा था, जब मैंने आईएएस पास कर लिया, आईएएस पास कर लिया और मैं इंटरव्यू पर गया
आपने? हाँ, ये 1966 की बात है, आज मैं आप बताने लगा हूँ। 1996 की बात है ये, आज मैं आपको बताने लगा हूँ। आई वॉज द फर्स्ट बॉय इन दैट, उस ग्रुप में मैं पहला लड़का था जो उनमें टॉप था आईएएस में। एक सरदार आए 6 फुट लंबे सरदार आए, मिस्टर कमल प्लीज कम आउट। मेरा नाम पता नहीं उसको कहाँ से लिया, मैं बाहर चला गया। कहता मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, अपनी बीती बता रहा हूँ। मुझे कहता बेटा तू क्या चाहता है कि सिलेक्ट हो जाए? मैं कहा सर मैंने मेहनत की है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिलेक्ट होने के लिए पहुँचा हूँ। कहते मैं तुम्हें सिलेक्ट करा दूँगा। मैं चुप रहा। मैं कहा सर वो कैसे? आपको मेरा एक काम करना होगा। हालांकि मैं शादीशुदा था, मेरा एक बच्चा था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल का प्रोफेसर था, समझ गए मेरी बात को, मैं प्रोफेसर था। आप मेरी लड़की से शादी कर लो। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं सर साहब मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो माँ बाप के हुक्म पर रहा हूँ और बहुत गरीब घर से हूँ, जो वो फैसला मेरे लिए किया हुआ है वो मेरे लिए माननीय है, दूसरा कोई नहीं। मैं जहाँ मत अपने गुरु की मेहनत से कृपा से या मेहनत से जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं सिलेक्ट हूँ ना हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। कहता क्यों? मैं कहा मैं आई एम ऑलरेडी मैन, मेरे माँ बाप ने शादी की हुई है। उसने कहा देन वट, थ्रो देम आउट, दिस इज वट ही सेट, थ्रो देम आउट, आई विल हेल्प यू। मैं कह सर माइंड योर वर्ड्स, अंग्रेजी में बातें हो रही हैं, माइंड योर वर्ड्स, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर दिस डिमांड। मैं अंदर चला गया। मेरे साथी पढ़ता था लड़का सी डी चीमा, वो उसको बता, वो बड़ा चंचल था, उसके साथ उसकी शादी यहाँ बड़ी धूमधाम से हुई, बहुत मुझे पता है सारा। और मैं तो मुझे रिजेक्शन आ गई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या बेटा, अगर मैं उनकी उस वक्त बात मान लेता, इतना लालच दिया उसने मुझे, तो मैं तुम्हें नहीं देखता, मैं तुम्हें नहीं देखता। दूसरी बात, जो बाबा फकीर ने मुझे ड्यूटी दी वो वजह कहाँ मिलनी थी, मेरी तो अब तक राख हो जानी थी, क्योंकि उसने मुझे हर वक्त ताना मारना था और तेनू तो मैं बनाया तू तन। ऐसा ही हुआ उस चमन लाल के साथ, बेचारे के साथ। मैं चंडीगढ़ गया तो मेरी उससे मुलाकात हो गई, तीन साल के बाद मेरी उससे मुलाकात हो। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, जब फिर पाके मिले, मैं कहा की हाल है चीमा, तू दस तेरा की हाल है। मैं कहा मैं तो बहुत खुश हैं यार, प्रोफेसर है कॉलेज, मजे हैं, 11 बजे ताईदा, 1 बजे घर आ जाइदा। कहना मेरा तो जन्म नष्ट हो गया। क्यों होया? कहना मैनू हर गल तो कहती है तू बिल्कुल गधा है, तेनू मैं डीसी बनाया, तेनू मैं डीसी बनाया, और उन्होंने 4 साल हो गए मर भी गया। और 4 साल हो गए मर भी गया, क्या कहा मैंने? जिंदगी में गुरु की बात पर चलो, कोई भी कुर्बानी करनी पड़े करो। मैंने क्या लेना था आईएएस बनकर, ठोकर मारी या मैं नहीं बनता, ले ले आपकी सेवा मिल गई है, मैं तर गया। हालांकि बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे सब कुछ किया दिया हुआ है, कोई बात ही नहीं है। क्या कहा मैंने? कहाँ भटकते फिरते हो, कुछ कुर्बानी करना सीखो, और वो कुर्बानी और कुछ नहीं, अपने मन की कुर्बानी करो। ये तुम्हें तंग करता है, इसको लगाम लगाओ। किसकी? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। क्या कहा शर्मा जी? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, उसकी लगाम लगा दो, तुम्हारे काम सारे अपने आप होते जाएंगे, करके देख लो। क्या कहा मैंने? मैंने आईपीएस भी कर लिया, तो मेरे को रिजेक्शन आ गई, क्योंकि मेरा आधा इंच कद कम था। मैं धर्मशाला
मैं बाजार से ऊपर से आ रहा है, नीचे से सरदार जी के जा रहे हैं मेरे कद के। ओह अर्जू मिस्टर कमल, मैं कहा हाँ सरदार जी। कहना मैं तुम्हें पछाड़ लिया, साड़ी तो साढ़ा कट्ठिया का मैडिकल होया सी, तुहाडा की बनिया? मैं क्या मैंने तो अद्धे इंच दे रिजैक्ट करता। लै कहिंदा पहला जो बंदा थले बैठा से उन्हें 200 रुपया दे देना सी, उन्हें पूरा ही लिख देना सी, कोई नहीं बाद च पुछदा। कहिंदा मेरा तुहाडा कद इक्को ही आ, उन्हें मैं पैसे देते सी। क्या कहा मैंने, मैंने कहा मैं ये चालबाजी नहीं आती। क्या कहा, जब मैं अपनी जीवन की बात बताई है, तुम डिटरमिन करो तुम क्या बनना चाहते हो, तुम बन जाओगे। तुम क्या लेना चाहते हो कुदरत से, कुदरत तुम्हारे लिए पल्ला खोले हुए है, ले बेटा मांग क्या चाहता है। मगर तुम तो उसको तो याद ही नहीं करते। वो बापू है मेरा, वो तुम्हारा पिता है, एक पिता एक इसके हम बारक, उससे क्यों नहीं मांगते, क्यों भटकते फिरते हो? जरा बढ़ो अपने अंदर, अपने अंदर नु पूछो तुसी कित्थे भटके फिरते हो। वो तुम्हारे अंदर है, जाके भक्तों को मिल, मैं उनके दिल में रहता हूँ। और ये जहाँ बैठे हो वहाँ वही सजा आपको सारा नजर आ रहा है। चल बोलो। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जा उनसे तू मिल, जे बतावेंगे बतावेंगे, मैं रहता हूँ जहाँ। वो कहाँ रहता है, मैं वो ही तो आपको कह रहा हूं, मैं वो ही आपको कह रहा हूं। वो तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन तुम्हारी आत्मा के ऊपर बैठा है और यहां बैठा है, और उसकी हस्ती से ही मैं बोल रहा हूं, उसकी हस्ती से मेरे हाथ हिल रहे हैं, उसकी हस्ती से मैं जहां बैठा हूं वो है है है, उसको ढूंढो। वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे रोम रोम में है, तुम्हारे रक्त में है, तो तुम्हारे मांस में है, वो तुम्हारी हड्डी में है। मैं जहाँ तक कहता हूँ वो तुम्हारी हड्डी के मैरों में भी है। और कहाँ और किस क्या कहूँ मैं आपको, जरा देखो उसको ढूंढ कर तुम्हें मिल जाएगा। तुम नाचने लगोगे जब वो मिल जाएगा तुम्हें, तुम दुनिया को लात मार दोगे। क्या कह कहाँ जाना, मैंने किस मंदिर में जाऊँ, कहाँ से जगाऊँ, क्या कहा मैंने। ये जेठ महीने का सत्संग है, ले जाओ बेटो, जो घरों में शांति रखो, घरों में प्रेम रखो, घरों में एकता रखो, नेक नीति से काम करो, दिल की हेरा फेरी को निकाल दो, कुछ नहीं साथ जाना, जाना तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ने जाना है। और इसीलिए मेरे सतगुरु ने कह दिया, ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, लेकिन कर्म अपना ठीक कर और अपनी नीयत को साफ रख। बस जहाँ नीयत खराब हुई वहीं काम भी खराब हो जाएगा। बस दो ही काम कर लो, कहाँ कहाँ माला फेरते हो, किस लिए माला फेरते हो, कहाँ पानी चढ़ाते हो, कहाँ कहाँ फूल चढ़ाते हो। फूल फूल में तो जो खुशबू है, इसकी खुशबू से इसकी अरे क्या कहूँ मैं, पुप मध्य जो बास बसत है, वो कहते हैं गुरु नानक साहब जी मां, पुप मध्य जो बास बसत है, मुकर महाए जो शाई, ऐसे ही गट बसे निरंतर, गट में खोजो भाई। मैं तुम्हारे अंदर ऐसे हूँ जैसे फूल की खुशबू, मैं तुम्हारे मंदिर ऐसे हूँ जैसे शीशे के आगे तुम्हारा चेहरा होता है, तुम अपने आप को देखो। लो बात खत्म हो गई। क्या कहा, पढ़ो फिर दो लाइनें फिर पढ़ दो। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जा उनसे तू मिल, हाँ जे बतावेंगे बतावेंगे, मैं रहता हूँ जहाँ। मैं अपने गुरु का भक्त हूँ, मैं किसी ईश्वर का भक्त नहीं हूँ, किसी देवी का भी भक्त नहीं हूँ, किसी देवता का भी भक्त नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के वाक्य का भक्त हूँ। गुरु गुरु बाणी, बाणी गुरु, बिच बाणी अमृत सारे,
वाणी ही मेरे लिए, उनका हर वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। उनका वचन ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। जब कभी मन मेरे को कहलाता है, मैं उस वाणी को एकदम सामने ले आता हूँ, उनके वचन को सामने ले आता हूँ। देखते ले क्या लिखा बेवकूफ, तू कहाँ भटक रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है, ये देख ये देख ये देख बाबा वकील क्या कह रहे हैं। ले बात बन गई, क्या कहा मैंने, क्यों शर्मा जी किसको ढूंढूं, उनकी वाणी साथ है, उनका अंग मेरे साथ है, अंग अंग मीन वाणी। आगे स्वर्ग में पाएगा तू किसको, वहां क्या है धरा। हाँ कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग है कहते, स्वर्ग भी है कोई, स्वर्ग में क्या रखा है, वहाँ क्या धरा है, वहाँ क्या है स्वर्ग में, बताया किसी ने आकर। मनकड़ंत बातें लिखी हुई हैं, मनकड़ंत। स्वामी जी महाराज ने जुलाई महीने में जो सत्संग होगा उसमें सारा लिखा है कि वहाँ ये होता है ये होता है, देखा होगा उन्होंने। अभी भी कई लोग जो दोबारा थोड़ा सा उनको होश आती है मरने के बाद, कई ऐसे ना कमों में चले गए फिर वापस आ गए, तो उनको अंदर जो नज़र आता है फिर बताते हैं कि हमने वहाँ ये देखा, ये उनका अपना ही मन होता है। कोई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरे भाई की पत्नी ने पहली तारीख को चीरी छोड़ा, अक्टूबर महीने से पिछले साल से उसका पीजीआई से इलाज हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी उसको, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, पीजीआई के डॉक्टरों से आगे कोई डॉक्टर है नहीं मैं समझता हूँ। अब उन्होंने मार्च में कह दिया कि अब आप थोड़ा आराम करना, आपको पीलिया हो गया है, ये पीलिए को पहले चेक करो। वो पीलिया बढ़ता गया, 4 था 8 हो गया, 8 से 12 हो गया, पीलिया कंट्रोल नहीं हुआ, बड़ा कुछ किया, तकलीफ कोई नहीं उसको, खाना खाती थी थोड़ा बहुत। तो मैं उस वक्त जीन क्या नाम था मेरठ में था, और मेरठ से हम 11 बजे निकल आए थे, मेरे को एहसास था कि लड़की ने चली जाना है, तो हम 11 बजे वहाँ से निकले, तो 11:30 निकले, 1 बज गया था, तो मेरे को बेटे का फ़ोन गया, डैडी कहाँ हो, मैं कहा बेटे मैं करनाल, अभी 1 घंटा लगेगा पहुँचूँगा और शाम 6 बज जाएंगे मुझे। कहते कोई बात नहीं, चाची ने शरीर छोड़ दिया है। मैं कहा बेटा मुझे वो पता है, मुझे पता है। तो जब मैं दूसरे दिन गया सुबह, तो उसकी लड़की को मैंने पूछ, मैं कहा सोनिया इधर आओ बेटा, तू वहाँ थी, कहती हाँ अंकल जी, मेरे को कहती है वो, मैं गई थी, मैं रोटी लेके गई थी, मैं कहा मम्मी रोटी खा ले, तो उस वक्त वो होश में थे, होश में उन्होंने रोटी देखी, उसने कहा सोनी बेटा इस रोटी पर मेरा नाम नहीं है। उस बहू ने बोला बेटा इस रोटी पर मेरा नाम नहीं है, तुम दरवाज़ा खोल दो और बाहर चले जाओ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। उसने अपने पति के साथ यहाँ 12 साल लंगर की सेवा की थी, बैसाखी पर 3 दिन वो दोनों मियाँ बीबी यहाँ सेवा किया करते थे, लेकिन दुनिया ऐसी है सेवादारों की कदर नहीं करती, कोई कदर नहीं है यहाँ, कदर उनकी है जो बतूनी है, बतूनी बातें करते हैं। चलो जाए कह दिया, और सोनी ने कहा क्या मम्मी आपको बाबा जी लेने आ रहे हैं, कहती हाँ जल्दी चल जाओ पर रोना नहीं। वो बाहर निकली, शरीर छोड़ दिया। बताइए अब मैं फिर गया दोबारा, जब सारा काम हो गया, मैं कहा बेटो बात सुनो इधर, तुम्हारी मम्मी ने जन्म लेना है क्योंकि बाबा जी उसको लेने आए हैं, और जन्म उसका आपके ही घर में होगा, ये मेरा तजुर्बा है, वो आपके ही घर में होगा, ये लड़के की शादी होगी, मैं आपको बता दूंगा कि कौन पैदा होगा, क्योंकि ये लिखा है। महाराज जी कहा करते थे अगर गुरु लेने आए तो तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा ही जन्म मिलेगा,
और उस जैसा घर अच्छा और कहीं है नहीं। क्या कहा मैंने? उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, उसने कभी हाय नहीं कहा। मैं 21 तारीख का सत्संग देने के बाद वहाँ गया, उसके पास बैठा, वो रोटी खा रही थी। बड़े प्रेम की मैंने बातें की उसके साथ। 21 तारीख को 27 को मैं यूपी चला गया, फिर मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कहा मैंने? तो वहाँ कहाँ है नर्क, कहाँ है स्वर्ग? ए इंसान, तेरा कर्म ही तेरा नर्क बनेगा और तेरा कर्म ही तेरा स्वर्ग बनेगा, और तेरा कर्म ही तेरा, तीन बातें और कह देता हूँ। एक है निर्वाण, एक है निर्वाण, एक है मोक्ष, एक है मुक्ति। इन तीनों को समझना, गौर से समझ लेना। निर्वाण लोअर स्टेज है, मोक्ष दूसरी स्टेज है और मुक्ति आखिरी स्टेज है। मुक्त आदमी द्वारा नहीं आएगा दुनिया में। निर्वाण बाण, निर्वाण शब्द निकला है बाण से, ये पंजाबी शब्द है, बाण मीन आदत, और तेनु की बाण पई है, ये बुजुर्ग कहा करते थे, तेनु की आदत पई है? मन की आदत। मन दौड़ता है, मन ये चाहता है, मन वो चाहता है, मन वो चाहता है। ये मन जब रुक जाएगा, ये मन जब डिमांड करनी रुक जाएगा, इस मन की जब दौड़ खत्म हो जाएगी, तुम्हें निर्वाण मिल जाएगा। तुम आशाओं से मुक्त हो गए, तुम निर्वाण में हो, तुम बुद्ध गति में हो, तुम अस्सी गति में चले गए। लेकिन अगर आप मन के पीछे भागे हुए हो तो आप बंधन में हो। मेरी बात को पकड़ा चोपड़ा साहब जी? मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना, मोह का खत्म हो जाना। जो इंसान अपनी दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता, किसी भी चीज़ से, गुरु की देह से, गुरु के मंदिर से, बच्चों से, अपनी जायदाद से, अपनी धन दौलत से, अपने नाम से, अपनी शोहरत से, अपनी कुर्सी से, जो मोह नहीं करता, जो काम मिला उसको मालिक का समझ कर करता है, उसका मोक्ष है। वो मोह से मुक्त हो गया। मोह मीन अटैचमेंट। अटैचमेंट खत्म हो गए तो तुम मोक्ष में हो। क्या कहा मैंने? कोई बताता आपको? पंडित बताएगा? बस ये मोक्ष हो गया, अनिर्वाण हो गया तेरा। नहीं, निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण जब होगा तो मन से जब आज़ाद हो जाओगे। मोक्ष तब होगा जब तुम अटैचमेंट को छोड़कर ऊपर की स्टेज पर चले। ड्यूटी कर रहा हूँ मैं दाता की, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने सतगुरु की ड्यूटी कर रहा हूँ। ना मैं गुरु हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं बाप हूँ, ना दादा। दाता दयाल ने कहा, ना दादा बना, ना मैं चाचा बना, ना मैं जोगी बना, ना मैं भोगी बना मैं। ना लेटा, ना सोया, ना दौड़ा, ना वो क्या है, वो स्टेज है जो शीर से ऊपर की है, वो केवल सुरत की स्टेज है, ये उन्होंने कहा हुआ है ना। इसलिए मोक्ष मुक्ति कब होगी? जब हम शरीर मन और आत्मा से ऊपर उठकर प्रकाश और शब्द में चले जाएंगे। वो है चौथा पद, और चौथे पद के बाद एक पांचवा पद और आता है, जब हमें पता लग जाता है कि मैं ना शब्द हूँ, ना मैं प्रकाश हूँ, मैं एक अलग हूँ और मैं माल के कुल की अंश हूँ। बाबा फकीर ने वहाँ लिखा कि वहाँ मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि मैं सर्वव्यापक हो गया। पढ़ के देख लो, मैं सर्वव्यापक हो गया। तो सर्वव्यापक हो गए, उसके अंश हो गए, बाबा मुक्ति हो गई, गल खत्म हो गई। शर्मा जी, मैंने क्या कहा? मैं कुछ कह गया? पकड़ो, आगे पढ़ो। स्वर्ग में पाएगा तू किसको, वहाँ क्या है दरा? कुछ भी दरा नहीं है स्वर्ग में। आगे। आता ना जाता, जहाँ का हूँ है तहाँ। फिर पढ़ो बेटा, मेरी समझ नहीं लगा। मैं कहीं आता ना जाता हूँ, जहाँ का हूँ है तहाँ। मैं जहां हूं वही हूं, कहां हूं? तुम्हारे विश्वास में हूं। विश्वासम फल दायकम।
मेरे विश्वास है कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है। तुम कहाँ हुआ? तुम्हारे विश्वास में है। तुम विश्वास कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, एक जगह ठहर जाओ जहाँ भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाबे नू मन्नो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मानो। तुम यहाँ भी हो, जिसको भी मानते हो, एक को पकड़ लो बस। एक को पकड़ो, लेकिन उसको पकड़ो जिससे बात कर सको। ये नहीं है कि बात ना कर सको, वहाँ कुछ नहीं। जिससे अपने दिल की खुल के बात कर सको उसको पकड़ो, उससे बात करो, फिर उस पर विश्वास कर लो, देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आओ आओ सत्संग में आओ, अपना जन्म बनाने आओ। क्यों जाना सत्संग में? किस लिए? वह तमाशा है। आगे पढ़ो बेटा। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, क्षमा और शील में। मैं कहा हूं ज्ञान में, ध्यान में, क्षमा में और शील में, चार गुण हैं। ज्ञान किसका? अपने आप का। अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ। एक है समझ, एक है विवेक, एक है ज्ञान, है तीसरी स्टेज है, एक फिर अनुभव है, वो आखिरी स्टेज है। मैं ज्ञान में हूँ। जब ज्ञान हो गया, मैं और सुना दूँ थोड़ा सी, थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ। मैं समझाता बथेरा रहता हूँ पर सुनता कोई नहीं। मेरे पैर में चोट लग गई, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं कहूँ डॉक्टर साहब मेरे पैर को चोट लगे। मैं अलग हो गया ना, पैर अलग है, मेरे पैर को चोट लगे। फिर पेट में दर्द हुई, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मेरा पेट और हो गया, मैं और हो गया, ठीक है। मेरी आँख में कुछ पड़ गया, डॉक्टर साहब मेरी आँख में पता नहीं क्या पड़ गया, आँख और हो गई, मैं और हो गया, और हो गया। अच्छा, दूसरी बात, कहीं तुम बैठे हो वहाँ कोई बात चल रही, तुम कहोगे यार मेरा मन नहीं मानता। तुम और हो, तुम्हारा मन और है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। आगे चले, फिर कोई अच्छी संगत और मिल गई, उनसे ऊंची मन से भी हो गई बात करने वाली, वहाँ कोई बात हो रही है, तुम कह दोगे यार तुम ठीक कहते होगे पर मेरी आत्मा नहीं मानती, ठीक है, मेरी आत्मा नहीं मानती। तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तो तुम मन भी नहीं हो, तो तुम फिर कुछ और हुए ना। वो है तुम, वो हो तुम, जो शरीर नहीं है, जो पेट भी नहीं है, जो आँख भी नहीं है, जो मन भी नहीं है, जो आत्मा भी नहीं है। और वहाँ से वो कहता कि मेरी आत्मा नहीं मान रही, ये बात गलत है। कर लो फैसला, पढ़ो बेटा यही बात। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, हूँ क्षमा और शील में। चार चीजें यहाँ हैं, मैं वहाँ हूँ। ध्यान किसका? गुरु का। बिना गुरु के ध्यान ए बंदे नहीं कभी छूटना, जय स्वामी जी का एक शब्द है। ध्यान कर गुरु का गुरु प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और कोई नहीं। बैठ जाओ सामने, फोटो रख कर बैठ जाओ, आने दो आँखों को में पानी, करो उनसे बात, देखते जाओ, देखते जाओ। आंखें जब पानी छोड़ दें तो आंखें बंद कर लो, वो यहाँ बैठे हैं, करके देख लो, वो तुम्हारे घट में हैं। करो, देखो, पाओ। क्या कहता हूँ, ओ मेरा मन भी मुझे कभी मार देता है, मैं फिर यही नुक्ता बताता हूँ, बैठ जाता हूँ, देखता रहता हूँ, बाबा जी क्या खेल खिला रहे हो, ये ठीक नहीं है, मैनू बचा लो, मैनू ये तो बचा लो, ये मेरा बड़ा भारी दुश्मन है। फिर मैं बात याद आता थी, चल शांत हो जाता हूँ, क्या कहा मैंने, मैं क्षमा में हूँ, कोई बात बुरी कह दे माफ़ कर दो। शील हूँ, सहनशील हूँ, मैं की लेना दुनिया से। बाबा परमदास जी महाराज कभी कभी कहते थे, सुथरा कोल पतासा पीवे, कोई मरे कोई जीवे, सुथरा कोल पतासा पीवे, बस अपने मस्त रहता है।
मेरे गांव में था एक सुथरा पंडित था। उस सुथरा क्या करता था, मैं छोटा था तब देखते थे, उन्हें एक रोटी बनानी, एक आप ही शादी नहीं थी, वो खानी पहले फिर दूजी बनानी। उन्हें यह विश्वास था कि जब मैं दूजी बना ली मैं मर जाना, पहला ये खा लवा। वो होंगे सुथरे, अच्छा वो हर बेले मरने लिए तैयार रहते हैं। क्या कहा मैंने, मैं क्या ध्यान में हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, अपना ज्ञान करो, किताबों ने ज्ञान की करना, मैं ज्ञान में हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं शील में हूँ, तीन चार चीज जिसके पास है उसके अंदर वो बैठा है। क्या कहा मैंने, तो ध्यान गुरु का कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। आगे ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, हूँ क्षमा और शील में, हाँ। मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान और शील रहते हैं वहाँ। मैं जहाँ मैं हूँ, जिसके हृदय में मैं हूँ, उसमें ये दोनों गुण हैं। क्या कहा, अब देख लो आप, वही मैं हूँ जिसमें, जिस इंसान के अंदर ये चीजें हैं उसके अंदर मैं बैठा हूँ। आगे सत है क्या समझा नहीं, जाना सत को भी नहीं। अब वो कहते हैं सत क्या है वो नहीं जाना तुमने, और सत क्या है उसको भी तुमने नहीं जाना। दाता दयाल कहते हैं सत क्या है, सत वो है जो सदा रहता है। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहते थे बीमारी आएगी चली जाएगी, धन आएगा चले जाएगा, जिसको तुम मानते हो उसका रूप अंदर आएगा वो भी चला जाएगा। राम मेरे अंदर आते थे वो चले गए, फिर कृष्ण भगवान के दर्शन करता था वो भी चले गए, दाता दयाल आए वो भी चले गए, जब असलियत आई तो वो ठहर गए। कहते वो चीज जो तुम्हारे अंदर कहीं जाती नहीं है वो तुम हो, वो कहीं नहीं आती कहीं नहीं जाती, वो आखिर में जाएगी, अपने घर जाएगी वापस, अगर उसकी अटैचमेंट नहीं है, अगर उसका मोह नहीं है, अगर उसको बाण है कोई, अगर चाह है कोई, तब वो नहीं जाएगी। तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए तो अपने घर चली जाएगी, फिर क्या कौन रोक सकता है उसको। क्या कहा, तो सत्संगी यही तो बड़ी महिमा है, सत्संग में मिलता और क्या है, जीने का राज मिलता है, भटकना दूर हो जाती है, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। कबीर साहब कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम उनको इंतजार ही क्या, हम किसकी इंतजार करें। अरे क्या कहा है, संतों ने क्या कह दिया, गुरु नानक साहब ने क्या कह दिया, दूसरे गुरुओं ने क्या वाणी बोली, कबीर साहब क्या कुछ नहीं कह गए, लेकिन हम हैं, हम उल्टे घड़े हैं, जल में पड़े हुए हैं, चारों तरफ जल भरा हुआ है, अंदर से खाली हैं, क्या करना उसको। हम अंदर से खाली हैं, और पर जाओ अंदरों भी पर जाओ, ले जाओ कुछ लेना तो ले जाओ, ये बाबे फकीर दा स्थान है, ये ऐवी नहीं है, ऐवी नहीं है, ऐवी नहीं है। आगे सत है क्या समझा नहीं, जाना सत को भी नहीं, हाँ। राधा स्वामी मत को समझो, खो गई बुद्धि कहाँ। हाँ। दादा दयाल ने आखिरी बार, ओ तुम्हारी बुद्धि कितने खो गई है, राधा स्वामी मत को समझो। राधा स्वामी क्या कह रहे हैं, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, यहाँ है वो शब्द। तुम्हारी सुरत सारे शरीर में काम कर रही है, तुम्हारा खाना वो पचा रही है, तुम्हारा पानी दूध का पानी वो बना रही है, तुम्हारी मिठाई को वो शुगर को निकाल रही है, सारा काम तो वो करे, तुम क्या करे, तुम तो खाने पर जो दिया हुआ है, ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, ये भी, और छड्डो स्वादानू, जीना सीखो, लिव ए सिंपल लाइफ, लिव ए सिंपल लाइफ, वो पुरानी सिंपल लाइफ में आ जाओ, बीमारियां अपने आप चल जाएंगी। ये बीमारियां क्यों हैं, साडा खाना बिगड़ गया, साडा खाना बिगड़ गया, खाना बिगड़ा तो सोच बिगड़ गई, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन,
और जब मन बिगड़ गया तो फिर हेरा फेरी करनी है, 420 करनी है, दुष भी पानी पाना, घे भी बनस्पति बनाना, दाला च भी मिट्टी मिट्टी पा देनी, चौल भी अजकल कहते प्लास्टिक के बन लग गए हैं, जो मर्जी ले लो मेरे इंडिया में तो कोई कमी नहीं है, मेरे इंडिया में तो भगवान बिकते हैं, जाओ बाजार में ले आओ। हम गए मुरादाबाद, मैं क्या जहाँ भाई वो उसके क्या नाम है, तांबे के बर्तन बहुत मिलते हैं, मैं चलता हूँ, चलो मेरे छाते भी बैठ गए, लाला जी भी बैठ गए, कहते थानू दूर पैना, मैं चलता बाजार दूर है 2 किलोमीटर। सबसे पहला कौन सा दुकान मिली, देवताओं की मूर्तियाँ, हाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तांबे की चांदी की, मैं कह लो जड़ा मर्जी ले लो बिकदा, देवी भी बिकदी, भगवान भी बिकदा, राम भी बिकदा, कृष्ण भी बिकदा, बिकते तो ले लो, कितना सस्ता यह है, सानू बनाया लोगों ने, वो ले लो बस अपने घर से बैठ के घंटी बजाई जाओ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दीन भी गया दुनिया भी गई। मैं क्या चल अगे अगे गए तांबे दे गिलास मिले, मैं जग ले गिलास लाए, मैनू शौक है चीज़ा च ऐसी अच्छी चीज़ रखने का, बस समझ गए ना। तो ये क्या है दुनिया, लूट है, क्या है दुनिया अंधेर है, क्या है दुनिया सपना है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ रो सोना कूड़ रुपा कूड़ पहनण हार, कुछ भी नहीं रहना, एक तुसी रहना, तो कित्थे जाना फिर, अपने पिता दी गोद में जाना। इसलिए राधा स्वामी को समझो, राधा स्वामी तुम्हारे लिए आया, तू आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा, 3 ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी, तेरा रूप है अद्भुत दृज तेरी उत्तम वाणी, आहा हा हा। फिर क्या क्या कह दिया आगे, तू है परम दयाल, परम दयाल की संगत मिली हुई है, उनकी शक्ति से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ना कुछ लेना ना देना, खुश रहो सुखी रहो घरों में शांति रखो, एक को पकड़ लो भटकना बंद कर दो सुखी हो जाओगे, बस जिसको भी चाहते हो एक को पकड़ लो। मैंने दुनिया में किसी को नहीं माना, एक को माना बाबा फकीर को 18 साल की उम्र से, उसके पहले गुरु गुरुद्वारा सा गांव में गुरुद्वारे में जानते थे, संत गुरु का ही महिमा गाते थे, बस गुरु की मांग की, उस माल का गुरु दे दे गुरु दे दे बस गुरु दे दे, गुरु मिल गया, गुरु मिला तो क्या कमाना हो, सुखी रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 12 बज गए हैं, आप सब सुखी रहो, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे। मैंने शर्मा जी से सलाह की है कि गर्मी क्योंकि ज़्यादा है, 1 महीना मैं भी चाहूँ रेस्ट कर लूँ, घर में रहूँ, आप भी अपने अपने घरों में रहो, जो कहा उस पर चलो। तो अगला सत्संग जो होगा वो जुलाई महीने में, संगरांद का सत्संग जो होगा जो सावन के महीने का होगा, उसमें मैं आऊँगा, ठीक है। राधा स्वामी, राधा स्वामी।